तकरीबन 48 दिन कबल वजीर आजम ओपन हार्ट सर्जरी के लिए लंदन गए थे। हफ्ते को ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक PIA का बोइंग 777 वजीर आजम नवाज शरीफ को लेकर लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। इस मौके पर मामूल के मुताबिक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वजीर आला शहबाज शरीफ, गवर्नर पंजाब समेत दीगर विफाकी वजरा एयरपोर्ट पर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। तैयारे से उतरने पर वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने उनके लिए दुआ करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल को कौम का बड़ा नुकसान करार दिया। दुख हुआ है, बड़ी खिदमात है। कल आपने मेरा बयान उनके बारे में पढ़ लिया होगा। इस तरह के लोग कभी कभी पैदा होते हैं और हमें ऐसे लोगों को कौम करना चाहिए। मीडिया से दो लफ्जी गुफ्तगू के बाद वजीर आजम अपने खसूसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर अपनी रिहायश गाह रायबंद के लिए रवाना हो गए।